अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज, जगदलपुर और कोंडागांव में रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। राहुल गांधी ने डॉग का नाम नूरी रखा। AIMIM नेता मोहम्मद फरहान ने दायर कर दी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की धार्मिक स्थलों के प्रबंधन से जुड़ी याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने की थी दाखिल। दिवाली से पहले गुजरात सरकार ने दिया तोहफा। 65,000 कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला। एक महिला की मौत, 4 घायल। पुरुषों के लिए आया गर्भ निरोधक इंजेक्शन। ICMR का 303 शादीशुदा लोगों पर सफल ट्रायल। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। 301 इमारतों पर चला बुलडोजर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर अपनी लंबोर्गिनी में रोहित शर्मा हुए ओवर स्पीड। पुलिस ने काटे 3 चालान। हमास आतंकी संगठन के समर्थन में आधा दर्जन से अधिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ट्वीट कर किया समर्थन।